समस्त को मो प्रणाम मु शिव प्रसन्न पाठी आज आम आमर वीडियो रे आलोचना करिबा गोटे मध्ययुगीय भारत इतिहास अध्याय एवं जने सुल्तान को विषय रे जो सुल्तान को आम कहते मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बा जुआन खान होती दिल्लीर जने सुल्तान एवं आकु शॉर्ट फॉर्म रे भी केतेक पुस्तक दे अछंती जे पागल राजा। आमे तो पागल राजा कहिबा पूर्वरु तांकर नूतन नूतन जो पद्धति गुड़ी को से तांको शासन रे नूतन भाव रे इम्प्लीमेंट करछंती ता पिन तांको मध्य महान कोई परिबा काही कि गुटिए जुग बा गुटिए शासन रे जेतिकी किछि खराब हुए जदि भलो भी किछि अछि ताकु भी आमे आलोचन करिबा भलो दिगरे। तो पिलामने आजर ये जो आलोचना आपण मानकर प्रतियोगितामूलक परीक्षा उद्देश्य रे मोर ये आलोचनाटी ए आलोचनार सबशेष विवरणी मध्ययुगीय भारत इतिहास जेएल मेहटा एवं सतीश चंद्रंकर वॉल्यूम प्रथम एवं मध्ययुगीय इतिहास प्रतियोगिता दर्पणर 16 नंबर सीरीज रु मु संग्रह करियछि। आपण मानकर हित उद्देश्य रे आज याकु मु आलोचना रखुछि। मोहम्मद बिन तुगलक कर बाल्य नाम थिला जुआन खान। मोहम्मद बिन तुगलक विषय जानापी आम विभिन्न उपादान उपर निर्भर करिया पड़ुछि। से गुड़िक तारीख आई फिरोजशाही, फतवा ताई फिरोजशाही, मांस ताई महूर, तुगलक नामा एवं मर्को करु जो आसीथिले इवान बातुतांकर विवरणी। इवान बातुता मध्य मोहम्मद बिन तुगलक समय रे भारत को आसीथिले एवं से मोहम्मद बिन तुगलक शासन रे मध्य किछि पद पदवी रे रहीथिले एवं तांको विषय रे विवरणी रचना करथिले। मोहम्मद बिन तुगलक जन्म होइछि 1290 मसीहा दिल्ली। दिल्ली रे से जन्म होइछंती। तांकर अन्य नाम थिला जुआन खान। तांकर बापा थिले ग्यासुद्दीन तुगलक। हि सपोर्टेड डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंग। मोहम्मद बिन तुगलक जेतेबेले राजसिंहासन आरोहण कले तांकर शासन व्यवस्थाटा होउछि दैव अधिकार डिवाइन राइट थ्योरी रे से शासन कले। एंड ही सेड सुल्तान इज द शैडो ऑफ गॉड। परीक्षा रे एटा पचारुछि पिला माने हु सेड सुल्तान इज द शैडो ऑफ गॉड। मोहम्मद बिन तुगलक सेड सुल्तान इज द शैडो ऑफ गॉड। एवं से तांकर जो कॉइन प्रचलित करथिले प्रत्येक कॉइन रे से रचना करथिले आल सुल्तान जिली अल्लाह मेन ओवर कॉइन। से मेंशन करथिले कॉइन उपरे एही वक्तव्यटिए। ता सहित से कही सोभजेंट इज नॉट कन्फेयर्ड अपन एवरी मैन बट इट प्लेस ऑन इलेक्ट हु ओबे द सुल्तान रूल ओबे गॉड। तांको मतरे सार्वभौमत्व आम सेमिति कही परिबा नाही एडा भगवान द्वारा प्रदत्त। जदि तुम तुम सुल्तान बा मुख्य शासन करिके ओबे करुछ ताहले तुम मध्य भगवान को ओबे करुछ बा मानुछ। ता सहित से कही गॉड इज द सुपर सपोर्टर ऑफ सुल्तान। भगवान आशीर्वाद रु से सुल्तान हो पार्टी। जदि भगवान सहयोग न करते ताले से सुल्तान ही पार न था तेणु से गॉड इज द सपोर्टर ऑफ सुल्तान बोली मध्य वक्तव्य रखुले। प्राथमिक स्तर रे ही रिमूव्ड खलीफा फ्रॉम हिज कॉइन। जेतेबेले से सुल्तान होते खलीफा चित्र थी जो कॉइन प्रचलित थिला ताकु रिमूव कर दे पिला माने प्राथमिक स्तर रे। ही रिक्वेस्टेड द खलीफा ऑफ इजिप्ट दैट ही शुड एक्नॉलेज हिम एज द सुल्तान। किंतु परवर्ती परिस्थिति रे शासनर शेष समय पूर्वरु से इजिप्टर खलीफा को पत्र लिखिथिले जे तांकु दिल्लीर सुल्तान रूपे लिखित प्रमाण दिया जाउ। एसे शेष अवस्था रे करथिले पिला माने प्राथमिक अवस्था से सुल्तान मान घृणा ये जो खलीफा मान घृणा करुले ओबे कर मानु नुले कौन नियम यहीपरी कि जदि उलेमा बा खलीफा किसी भूल तथ्य देखते शासन समय से दंडित करुले निजर तथ्य को से रखुले से बहुत चतुर मध्य थिले किंतु तथापि केतक कारण जो आड़बाया सुल्तान बोली कह जाए। इन 1340 ही रिक्वेस्टेड खलीफा ग्यासुद्दीन मोहम्मद टू कम टू द दिल्ली। 1340 मसीह
से कौन करथिले खलीफा गियासुद्दीन महम्मद को दिल्ली आसिया पे अनुरोध करथिले। पिलाने उडे कहानी रही छि ये सब वीरपणिया रे शासन करथुले, किंतु जत्ते बेले गियासुद्दीन महम्मद दिल्ली की भ्रमण पे आसी गले ये तांकर चाकर रूपी मध्य व्यवहार करी तांकर सेवा करले एवं जीवा समय रो बहु धन रत्न देथिले बोली कतेक पुस्तक रे व्याख्या करा जाय छि। इवान बातुता अपॉइंटेड चीफ को आजि इवान बातुता जेतेले भारत को भ्रमण पे आसतिले एवं तांकु से चीफ क्वाजी भाव में निजुक्ति देथिले इन 1342 हुई अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू चाइना। इवान बातुता को महम्मद बिन तोगलोक 1342 मसीहा रे चाइना को एम्बेसडर करी मध्य पठेथिले। तापर से तांकर जो रूल को एक्सटेंडेड करथिले तांको अंचल को जो दिल्ली रे तांकर शासन रही दिल्ली टू वारंगल कर देथिले। तेलंगाना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो रही दिल्ली टू वारंगल माने तेलंगाना पर्यंत माबर बा माबर अंचल भी करमंडल अंचल भी तांको अधीन थिला। मदुराई तमिलनाडु अंचल भी तांको अधीन थिला एवं देव समुद्र कर्नाटक मध्य डायरेक्ट तांको अधीन रे शासन करथुला। वाजीर डिस्टेंस प्रोविंस एंड ट्रैक्स ऑडिटेड बाय वाजीर ऑफिस जो प्रोविंस गुड़िकर जहाँ कर आसुला ताकू ट्रैक करवा वाजीर ऑफिस रो कार्य थिला। इन द सेम मैनर आज द विलेज एंड टाउन इन द द्वाब से कौन करथिले द्वाब रे मध्य द्वाब अंचल रे मध्य सेम वाजीर मानंकु ऑडिट करिया पे देथिले। पिलाने वर्तमान नाम देखने बा केतरा कोटेशन जोड़ा परीक्षा पे गुरुत्वपूर्ण। अलाउद्दीन पॉलिसी रे कौन थिला एक्सक्लूसिव ब्लड सेट से पूरा कठोर दंड दंडित करथिले। हरास एंड ट्राइनिकल बिहेवियर थिला एन इन्फ्लुएंशन हार्डशिप ऑन द अदर इन ऑर्डर टू गेट हिज ऑर्डर्स ओबे जदि तांको ऑर्डर को ओबे न करिवो से कठिन दंड रे दंड देउथिले रक्तक्त कर देउथिले। कोटेशन जा परीक्षा रे पचार दे पारे ए होचे अलाउद्दीन कर पॉलिसी। सेमिति गियासुद्दीन तुगलक कौन थिला द कंट्री माइट नॉट बी रियूनिट बाय द वेट एंड टैक्सेशन एंड द वे टू द इम्प्रूवमेंट बी वेर द हिंदूज वे टू टैक्स डाउन सो दैट दे माइट नॉट बी ब्लाइंडेड बाय वेल्थ एंड सो बिकेम डिसकंटेंटेड एंड रिविलियस नॉर ऑर द अदर हैंड बी सो रिड्यूस द पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज द एज टू बी अनेबल टू परस्यू देर हजबेंडरी। पिलाने ये थिला गियासुद्दीन तुगलकंकर कोटेशन। यही कोटेशन गुड़िक मन रखिए परीक्षा रे पचार दबो लंबा अच्छी पैसेज भली लगे किंतु पैसेज नुह कोटेशन गुड़िक किए कही सहित महम्मद बिन तुगलक गोटे साइटेशन करते से कहते ए बारणी मतरे एडुकुएट प्रिपेरेसन से कहते। पाने इवान बातुता द मर्कोको ट्रावेलर एक्यूज्ड से कही महम्मद तुगलक गिविंग एक्सेसिव रिवार्ड एंड पनिशमेंट एंड ऑफ अपॉइंटमेंट मैन लो बर्न पीपुल टू हाई ऑफिसर्स। इवान बातुता कहले जे महम्मद बिन तुगलक अत्यधिक दंड मध्य देउथिले ता सहित पुरुष मानंकु माने छोट कर्मचारी रु बड़ बड़ पदवी आणिकी निजुक्त कर दउथिले बोली ये कहिसेंती इवान बातुता काहेकि तांके समय रे से भारत को आसीथिले। ता सहित अबे देखिनेबा नॉलेज महम्मद बिन तुगलकंकर नॉलेज बा शिक्षा कौन थिला फिलोसफी दर्शनशास्त्र से अध्ययन करथिले मैथमेटिक्स से गणित अध्ययन करथिले मेडिसिन्स औषध जहाँ कि तीब कहला से समय एवं विभिन्न धर्मर रिलीजियस से अध्ययन करथिले। इंटरेस्ट थिला महम्मद बिन तुगलकंकर पर्सियन एंड हिंदी पोएट्री कविता उपर अत्यधिक इंटरेस्ट थिला। से सूफी सेंट मानंकु रेस्पेक्ट करथुले सम्मानित करथुले। से जणे जी कि फास्ट सुल्तान जी कि महम्मद मुइनुद्दीन चिश्ती आजमीर तांक दरबार रे जाई कि पहुंच जाइथिले जी कि सुल्तान नै कि मध्य गोटे धर्मगुरु को दरबार को जाइथिले। एडा अनेक थर परीक्षा रे आसुछ मुई पाठर मध्य अति कठिन कठिन कौन प्रश्न हो पार तार उत्तर मध्य गोटे वीडियो आपण मान उद्देश्य करदेवि। बिल्ट से कौन निर्माण करथिले मुसलियम्स ओवर द टम ऑफ निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। दिल्ली रे निजामुद्दीन औलियांकर जो टम रही थिला तापर से मुसलियम्स निर्माण करथिले। ता सहित
मोहम्मद बिन तुगलक का सहित आसोसीएटेड थे, जैन धर्म सहित आसोसीएट थे, जैन धर्मगुरु राजशेखर एंड जीन प्रभा सूरी सहित भल संपर्क थिला। एवं से हिंदू मानक सहित आटाच थे, हिंदू मानकर पवित्र उत्सव होली सहित से पालन करुले, हिंदू मानक सहित से आटाचमेंट रही पे आलोचना करवा एक्सपेरिमेंट्स एंड रिफॉर्म्स से कौन कौन एक्सपेरिमेंट करते शासन समय आँ कौन रिफॉर्म करते आलोचना करवा पे से बहुत भल रिफॉर्म आनी किंतु सठिक भाव कार्यकारी कर पार नथिले, तेणु इतिहास पृष्ठ से आड़वाया शासक रूप निज परिचय करछन्ते। आमे जदि गोटे घर मुरबी होबा घर को आम सठिक समय फेरबानी, घर जदि कौन सदस्य सठिक समय घर को फेरुनी ताको ऑब्जर्व करिबा नाही तो मुरबी हो कि लाभ कौन, खाली गोटे भल मुरबी हेले किछि हबो नाही। मुरबी होवा सहित शासन भी सुचारू रूपे करिपरिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। से मंसूर तांको समय रे से करथुले, मंसूर रो अर्थ होला ऑर्डर दउथुले, निर्देश दउथुले। अकॉर्डिंग टू इवान बातुता मोहम्मद बिन तुगलक इश्यूड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, से विभिन्न निर्देश इश्यू करथिले सुल्तान हेबा पर। हाउएवर ओनली ए फ्यू ऑफ दिस, से भितरु केतक अछि एपियर टू हैव बीन टेकन अप सीरियसली और टू हैव मेड एन इंपैक्ट। से गोटे गोटे ऑर्डर को एते जोर रे प्रभावित करथुले, तार प्रभाव मध्य समाज ऊपर अत्यधिक पड़ुला पे बर्तमान आम देखिए पे जे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मेजर्स तंकर प्रशासनिक राजनीतिक कौन व्यस्त थिला। एजुड टू देवगिरी, से देवगिरी को मध्य निज अधीन रखी हि ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद देवगिरी, से निजर राजधानी दिल्ली टू दौलताबाद को ट्रांसफर करते यहाँ षष्ठम श्रेणी अच्छी जे पीजी पर्यंत सब कोर्स अच्छे समस्त जानी। देवगिरी अंचल को दौलताबाद बोली कहगला एवं मेक देवगिरी इज सेकेंड कैपिटल 1327। 1327 मसीह देवगिरी को निजर द्वितीय राजधानी रूपे घोषणा करते देवगिरी को पिलामाने से इमिति सजाई दी ऑफिस क्वार्टर रे समस्त सब प्रकार सुविधा सजाई दी थे। हि स्पेंट ए नंबर ऑफ इयर एट साउथ, से तांको शासन करने समय दक्षिण भारत अधिक जीवन काटी एवं साउथ बा दक्षिण भागे रही भल लगुला। प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, से शासन समय रास्ता गुड़िकर दुई पार्श्वर गच्छ गुड़िक वृक्ष गुड़िक रोपण करते एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ एवरी टू माइल ए कारोन हाल्टिंग स्टेशन। कारोन अर्थ होला पिला माने जो आम विश्रामागार जोटा आम यात्री निवास कर से कौन करते निर्माण करते टू माइल डिस्टेंस रे विथ फैसिलिटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक, खाद्य और पानी मध्य से जोगाई दी थे पथिक मानू। तो केते उन्नत धरण चिंताधारा थी मोहम्मद बिन तुगलक भावंतु, तथापि इतिहास पृष्ठ से गोटे आड़वाया शासक। लैंड ग्रांट टू एम्प्लॉय फॉर सैलरीज, से कौन करते जो एम्प्लॉय मानू मासिक दरमा देवे असुविधा हो बोली जमी दे दूसरे जमीरु से मैंने चाष कर बचुले और राजकार्य जोग दौले। हि बिल्ट खानका, खानका मान जोटे कि सेंट मैने रे जोटे कि हस्पिस फर द सेंट्स बा सन्यासी मानक से खानका प्रतिष्ठा करें रहा जिन्हें आम कौच आश्रम। अमीर खुसरु रूट, अमीर खुसरु लिखिंट फर देम दौलताबाद वाज एन एलियन लैंड फुल ऑफ इनफील्ड्स। यो धर्मजाजक मानी सेंट मानी दौलताबाद गौरव होता पे पर गोटे इस्लामिक रिलीजन केन्द्र माने शिक्षार केन्द्र पलटी जाइला कहीं जिते बड़े दौलत दिल्ली रु दौलताबाद को राजधानी स्थानांतरित से समय रे से बहुत सूफी सेंट जैन धर्मावलम्बी सन्यासी मानक दौलताबाद रहीबार सुजोग दे सेमान वेल फर्निश्ड क्वार्टर्स बा जो सेंट मान रही घर बनते तेणु से धीरे धीरे गोटे धर्म आ मुसलिम शिक्षार केन्द्रबिंदु पलटी जाइला पे तापर पे देख बोइल्स संकिन वेल विथ स्टेप दि सांस्क्रिट इनस्क्रिप्शन बोइल्स मेनसन अल मैटर्स। यही जो दिल्ली रु दौलताबाद एवं धर्म सन्यासी मानकर रही स्थान
ବିବରଣୀ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ବାଉଲିସ୍ ଶିଳାଲେଖରେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଯାଇପାରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଇନ୍ 1334 ଇବାନ୍ ବାତୁତା ଭିଜିଟେଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। 1334 ମସିହାରେ ଇବାନ୍ ବାତୁତା ମର୍କୋଗୋରୁ ଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ, ସେ ଆସିଥିଲେ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପରିଭ୍ରାଜକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଇନ୍ 1435 ମାବାର ରିବିଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମାବାର ଅଞ୍ଚଳ, ଶାସିତ ହେଉଥିବା ମାବାର ଅଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା 1334-35 ମସିହାରେ। 1335-37 ହି ପେରମିଟେଡ୍ ପିପୁଲ ଏଟ୍ ଦୌଲାବାଦ ଟୁ ରିଟର୍ନ ଦିଲ୍ଲୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ କାହାଣୀ ରହିଅଛି, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠୁ ଯିବେ, ଗରିବ, ଅପାହିଜ, ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ଏହି ଦୂର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ସମୟରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଝିକି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୂରତ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେ ଦୌଲତାବାଦରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିନଥିଲେ। 1335-37 ସେ ଦୌଲତାବାଦର ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ। ତାର ଅର୍ଥ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦୌଲତାବାଦ ବିକେମ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଗଲେ ଦୌଲତାବାଦରେ ରହିଲେ, ଯାହାକି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ପେଟ୍ରୋନେଜ୍ ପାଇଲେ, ତା ଫଳରେ ଦୌଲତାବାଦ ଅଞ୍ଚଳଟି ଧର୍ମ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଖୁର୍ସାନା ଆଣ୍ଡ କରାଚି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ସେ ଖୁର୍ସାନା ଆଉ କରାଚିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଖୁର୍ସାନା ଆଉ କରାଚିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ବିରାଟ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ତିଆରି କଲେ। ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। 370,000 ସୈନ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ। ଏଇ 370,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଦରମା ବାବଦ ପାଇଁ ଇକ୍ତା ଦେଲେ, ଇକ୍ତାସ ଦେଲେ, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଇନ୍ 1333 ହି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଚି, କ୍ୱାର୍ଚିକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କୁଲକୁନା ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ହିମାଞ୍ଚଳ, ହିମାଞ୍ଚଳର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ 1333। ଦା ଖୁର୍ସାନା ରୁଲର ଏସେପ୍ଟ ସୁଲତାନ ଓଭର ଲର୍ଡସିପ୍। ଖୁର୍ସାନା ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ଶାସକ ଥିଲେ ସେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିରିଏନ୍ ରିଫର୍ମ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଥିଲା। ସେ ଟୋକେନ୍ କରେନ୍ସି ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଯାଉଛି। ସେ ଟୋକେନ୍ କରେନ୍ସି 1339-30 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବ୍ରାସ୍ ଆଣ୍ଡ କୋପର କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ଦିସ୍ କଏନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ୱିଥ୍ ସିଲଭର ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାସ୍ ଆଉ କୋପର କଏନ୍ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ, ଆକୁ ରୂପା ଆଉ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ସେ ପରିଗଣିତ କରାଇଥିଲେ। ଆଙ୍କରି ଏହି କଏନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଦ ମୋଗଲ ରୁଲର କୁବାଲି ଖାନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ପେପର କରେନ୍ସି ଇନ୍ 1260 ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଲ୍ଡ ଚାନ୍। ଜଣେ ମୋଗଲ ରୁଲକ ମଧ୍ୟ କୁବାଲି ଖାନ୍ ସେଇ ଏଇ ପେପର କରେନ୍ସିକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ 1260ରେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଛାନ୍। ଆମେ କରେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଇନ୍ 1294 ଇରାନିଆନ୍ କ୍ୟାଙ୍ଗ କ୍ୱାଇ କାତୁ, ଇରାନର ରାଜା କ୍ୱାଇ କାତୁ 1294 ମସିହାରେ ପେପର କରେନ୍ସି ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। 8 ବର୍ଷ ଏଇ ପେପର କରେନ୍ସି ଚାଲିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଦେବ ଯେ କେଉଁ ରାଜା ଇରାନର ପେପର କରେନ୍ସି ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ, ପଚାରିଦେଇପାରେ। ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ହିନ୍ଦୁ ବିକେମ୍ ଏ ମିଣ୍ଟ। ବରାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଗୋଟେ ମିଣ୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାର ଛାପାଖାନା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଖୁଦୁସ୍ ଏଣ୍ଡ ମୋଗଦାମ୍ସ କୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ।
जो लैंड रेवेन्यू मोहम्मद बिन तुगलक आदाय करुथिले ताकु खुतुस एंड मुगदाम्स कहा जाउथिला। इन 1333 टोकन करेन्सी गिव अप आफ्टर थ्री इयर, तीन वर्ष टोकन करेन्सी प्रचलित हेला परे 1333 मसीहारे ताकु पुणी बंद कर दियागला, फेरे नियागला। फ्रम 1332 to 1333 और 732 हिजरी नो इशू टोकन कॉइन्स। 1332 और 1333 732 हिजरी रेकवागला टोकन कॉइन्स ग्रहण करा जीवना। तापर आम आलोचना करिबा पिला माने एग्रेरियन रिफॉर्म्स, कृषि भित्तिक संस्कार कौन थिला मोहम्मद बिन तुगलक को। जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स थिला पिला माने मुकात लैंड ऑन रेवेन्यू फार्मिंग टर्म, मुकात का कहा जाउथुला जो जमी गुड़ी करु चाष उपयोगी कर खजना आदाय करा जाउथुला ताकु मुकात कहा जाउथुला। आफ्टर सुल्तान ऑफ दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक अटेम्प्टेड हिज स्टेप इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू, प्रथमे ही तांकर या कार्य थिला जेबे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली रो सिंहासन आरोहण कले सुल्तान भावरे से समय रे से सिंहासन बसु बसु ही कर वृद्धि करथिले। बराणी सेड ही इनक्रीज्ड फ्रॉम 1 to 10 ए गोडा को 10 गुण कर दीथिले और 1 to 20 गोटे गुण को 20 गुण मध्य कर दीथिले, 10 गुण रो 20 गुण कर वृद्धि कर दीथिले ले बराणी कहउचंती। तापर पिले माने आलोचना करबा सिकदार्स किए, सिकदार्स होउचंती मोहम्मद बिन तुगलकंकर रेवेन्यू कलेक्टर, खजना जे संग्रह करथुले। फौजदार्स किए जी कि मिलिटरी ऑफिसर, मोहम्मद बिन तुगलक सेना बाहिनी रे ऑफिसर रूप रे जी कार्य करथुले तांको फौजदार्स बोली कुआ जाउथुला। सुंदर किए जी एग्रीकल्चर लोन दउथुले सरकारक तरफ रु कृषि उपयोगी लोन दउथुले तांको कुआ जाउथुला सुंदर। द्वाब फैमिली बिगेन इन 1334-35 एंड लास्टेड 7 इयर। पिला माने मोहम्मद बिन तुगलक जेतेबेले शासन करथिले तांको शासन समय रे 1334-35 मसीहा रे गोटे फेमिनी दुर्भिक्ष देखा देथिला द्वाब अंचल रे, जो दुर्भिक्षर प्रभाव द्वाब अंचल रे 7 वर्ष पर्यंत लागी रहीथिला। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक लोकंक दुख बुझबा परिवर्ते ए द्वाब अंचलर कर बहु गुण वृद्धि कर देथिले, जहा फळरे से लोकमानंकर प्रिय पात्र हेबार जो जिज्ञासाटा को हरै बसथिले। स्वराज द गेट ऑफ हेवन इंपीरियल कैंप ड्यूरिंग द फेमिन नियर गंगेस, गंगेस अंचल रे जो दुर्भिक्ष होइतिला दुर्भिक्ष जनतांक पई गुटिए कैंप बा छाउणी रखा जाइतिला लोकमानंकु खाइया पिया को देकी ताउ कहा जाउथुला स्वर्ग द्वैग बा गेट ऑफ हेवन, स्वर्ग को यात्रा करिवार रास्ता से अंचल को कहा जाउथुला सेडे कैंप करा जाउथुला। सेई कैंप को खाद्य पदार्थ सप्लाई करथुले अवध्र नवाब, से दिल्लीर जो कैंप को फूड ग्रेन सब सप्लाई करथुले तांकर पॉपुलारी बढ़ जाइथिला। परवर्ती परिस्थिति रे पॉपुलर पे से अवध्र नवाब को मध्य ट्रांसफर कर दीथिले। दीवान आई कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि विभाग तैयार करा जाइथिला ताको कहा जाउछि दीवान आई कोही, अत्यंत गुरुत्वपूर्ण परीक्षा पे बंजार का कहा जाउथिला लैंड अंडर कल्टिवेशन, जो जो जमी गुड़िक कृषि भित्तिक ताको बंजार जमी बोली कहा जाउथिला, एवं उसार का कहा जाउथिला अनकल्टिवेटेड लैंड, जो जमी गुड़िक कृषि उपयोगी नुह अनाबादी जमी ताको कहा जाउथिला उसार। माने सिकदार का कहा जाउथिला ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर व्यवस्था बुझिया पे जो ऑफिसर अपॉइंटमेंट करा जाउथिला ताको सिकदार कहा जाउथिला। मोहम्मद बिन तुगलक कहउथिले ग्रेडी इंपोक्यूएंस मैन विदाउट होप ऑफ सल्वेशन, एही मानंकु कहउथिले ऑफिसर मानंकु परीक्षा रे होय तो पचारि पारि पिला माने। दीवानी आरिज कौन मिलिटरी डिपार्टमेंट अंडर द मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक शासन समय रे दीवानी आरिज सैन्य मानंकर हेड बा विभाग मुख्य थिले। दीवानी आरिज विभाग सैन्य मानंक पई बा सामरिक विभाग पई गुटी विभाग तैयार कर जाय। कृषि पई तो आम आगुरी आलोचना करछे दीवान आई कोही,
In 1323, he conquered Warangal and changed its name Sultanpur. 1323 मसीहारे मोहम्मद बिन तुगलक वारंगल को अधिकार करथिले एवं तार नाम परिवर्तन कर दैथिले सुल्तानपुर बोली। एवं रिवेलियंस एंड चेंजेस इन द रूलिंग क्लास, कौन सब रिवेलियंस आउ चेंजेस रूलिंग क्लास रे आसिला पिला माने ताकु पुनी तीन भाग करा जाइछि। फर्स्ट फेज को आम आलोचना करिबा वर्तमान। इन 1324 टू 1325 तो पिला माने प्राय 11 वर्ष होला मोहम्मद बिन तुगलक एंगेज इन कंसोलिडेशन द भास्ट किंगडम। एत बड़ जो किंगडम थिला साम्राज्य थिला ताकु एकाठ करिया पिन तांकु 11 वर्ष समय लागिथिला। ता सहित इन 1335 द सुबेदार ऑफ माबार रिवोल्ट, 1335 मसीहारे माबार रो सुबेदार जी थिले से मोहम्मद बिन तुगलक विरुद्ध रे विद्रोह करथिले ए मध्ये ताकु दमन करथिले। गुरसेप रिबेलियन इन सागर एरिया एंड सप्रेस्ड। गुरसेप होउचंती तंकर संपर्कीय भौणी जे कि भौणींकर पुओ, से मध्य सागर अंचल रे मोहम्मद बिन तुगलक विरोध रे विद्रोह करथिले किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ताकु दबई दैथिले। तापर देखिया पिला माने किसुल खान जागीरदार जे कि उच्च अंचल रो जागीरदार किसुल खान से मध्य रिवोल्ट करथिला मोहम्मद बिन तुगलक विरुद्ध रे। सिंध मुल्तान एंड लखनौती मध्य विद्रोह करथिले अंचल गुडी को किंतु तांको दबे दिया जैथिला। से समय रे विश्व रे पावरफुल रूलर जो थिले चाइना रो शासक, इराक रो शासक, उज्बेक रो शासक एवं दिल्ली रो शासक को विश्व रो शासक बोली कुआ जाउथुला। तार सेकेंड फेज कौन थिला पिला माने द्वितीय भाग रे से कौन करथिले मोहम्मद बिन तुगलक 1336 टू 1345 पाका पाकी 9 वर्ष तांकर ए द्वितीय भागटी। एही समय रे माबार तांको विरोध रे विद्रोह करथिला, दुआब अंचल रे फेमिनी होइतिला, दुर्भिक्ष देखा दैथिला एवं बंगाल मध्य हरैथिले, बंगाल को हरै दैथिले मोहम्मद बिन तुगलक। बंगाल अलग आईला मोहम्मद बिन तुगलक सादाह का कहला दौलताबाद संभ्रांत मान को सादाह बोली कहला। मदुराई बिकेम फ्री इन 1336, 1336 मसीह मदुराई मुक्त हो जाता एंड विजयनगर फाउंडेड। विजयनगर राज्य मध्य से 1336 मसीह फाउंडेड होता बा अलग राज्य भाव प्रतिष्ठा पाई। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर पॉपुलर गवर्नर अनिवेल मुल्क फ्रम अवध टू दौलाबाद। जो अनिवेल मुल्क अवध रे गवर्नर थिबा समय रे फेमिनी प्रभावित लोक मानू खाद्य पानी दे आप्यायित करथिले एवं निजर पॉपुलैरिटी बढ़ाई तारी असह्य हुई मोहम्मद बिन तुगलक अनिउल मुलुक अवधरु दौलताबाद को ट्रांसफर कर दिया जाइथिला, जहाँ फल से मध्य रिवोल्ट करथिले मोहम्मद बिन तुगलक विरोध रे। तापर आलोचना करिबा अनिउल मुल्क रूट ए बुक इनसाई माहरु। अनिउल मुल्क जो नवाब थिले अवधर से इनसाई माहरु नामक पुस्तक टी रचना करथिले। पिला माने मोहम्मद बिन तुगलक शासन समय अजीज काउ कुआ जाउथुला पेट्रोनिज टू फरेनर्स, जो विदेशी माने आसुथुले तांकर जो जत्न निया जाउथुला ताकु कुआ जाउथुला अजीज। सदा काउ कुआ जाउथुला लोयर ऑफिसर्स ऑफ मंगोलोस, जो मंगोलो माने आंको ऊपर आक्रमण करथुले परवर्ती परिस्थिति रे से माने के तांकर सांग होइ जाइथिले। एई मंगोलोस माननकर जो ऑफिसर माने थिले निम्न स्तर रे ताकु सदा बोली कुआ जाउथुला, सेमानंक सहित मोहम्मद बिन तुगलक भल संपर्क थिला। नाजाब काउ कुआ जाउथुला ए फेमस सिंगर थिले नाजाब, मोहम्मद बिन तुगलक शासन समय रे प्रसिद्ध गायक थिले नाजाब, जे कि बादउन गुजरात मुल्तान अन शासन दायित्व रे मध्य रहिथिले। जणे गायक को मध्य शासन रो दायित्व मोहम्मद बिन तुगलक दैथिले। सेहिपरि अजीज खामार ए वाइन डिस्क्लेयर, जे गोटे मद वेपारी
ତାଙ୍କୁ ମାଲୱା ଅଞ୍ଚଳର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ କେତେ ଉପରକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାରେ ସହାୟକ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ 1938 ଦ ନବାବ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ଫକୁରଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ କଏନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗାଲ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ସୁଲତାନ। 1338 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ଫକୁରଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହା ନିଜ ନାଁରେ କଏନ୍ ଛପେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁଲତାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗାଲଟିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। ଇନ୍ 1340 and 41 ଅବଧ ଆଣ୍ଡ ଜାଫରବାଦ ବିକେମ୍ ଫ୍ରି। 1340-41 ମସିହାରେ ଅବଧ ଆଉ ଜାଫରାବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଅଧୀନରୁ। ହିନ୍ଦୁ ଚିଫ୍ ନାୟକ ଆଣ୍ଡ କାପାୟା ନାୟକ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହିନ୍ଦୁ ରେସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍। ସେହି ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁର ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ ଆଣ୍ଡ କାପାୟା ନାୟକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ମୁସଲିମ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ 1347 ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବାହମନ ଶାହା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ବାହମନି ଏମ୍ପାୟାର। 1347 ମସିହାରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବାହମନ ଶାହା ବାହମନି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ। ବିଜୟନଗର ଯାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହରିହର ଆଣ୍ଡ ବୁକା ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବିସିଡ୍ ଖଲିଫା ଇନ୍ ହିଜ୍ କଏନ୍। ଯେଉଁ କଏନ୍କୁ ପ୍ରତିବେତରେ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାର ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଥାର୍ଡ ପେଜ୍ 1346-1351 ଭିତରେ ପୁଣି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପେଜ୍ରେ ରିଭେଲିୟନ୍ ଏଟ୍ କୁଲଗାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଲବା ଗୁଜରାଟ ବିଦାର ବାଇ ହସନ କାଙ୍ଗୁ। 1346-1351 ମସିହା ଭିତରେ କୁଲବାର୍ଗା ମାଲୱା ଗୁଜରାଟ ବିଦାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ହସନ କାଙ୍ଗୁ। ସମସ୍ତେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ବାମନି କିଙ୍ଗଡମ୍ ରେଜ୍ ଇନ୍ ଦୌଲତାବାଦ ଡିକ୍ଲାଇନ୍। ଦୌଲତାବାଦ ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ କରିଥିଲେ ତାର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ବାମନି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ। ହି ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସୁଲତାନ ମେନ୍ସନ୍ଡ ଗାଜି ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍। ଗାଜି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ନିଜ ନାଁରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଯିଏକି ଏହି ଗାଜି ଉପାଧିଟିକୁ ବହନ କରିଥିଲେ। ହି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ୱିଥ୍ ୱେଟ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 200 grains। ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ଯାହାର ଓଜନ ହେଉଛି 200 grains। ହିଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର କଏନ୍ ନାନ୍ ଆଜ୍ ଆଦଲି। ଆଦଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଦଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ହି ବିଲ୍ଟ ଫୋର୍ ଅଦିଲାବାଦ। ସେ ଅଦିଲାବାଦ ଦୁର୍ଗଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ରେୟର କଲେକ୍ସନ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କରାଯାଇଛି। ହି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ସତ୍ ପାଲାହା। ସେ ସତ୍ ପାଲାହା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଉଟା ୱାଟର ରିଜର୍ଭର ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ହି ବିଲ୍ଟ ହଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କୁସିକାଇ ଶିକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ହି ଇଗ୍ନୋର୍ଡ ସାରିୟତ୍ ଲ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସାରିୟତ୍ ଲକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 20 March 1351 ମସିହା ଥାତା ଅଞ୍ଚଳ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ପାକିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତୁଗଲକାବାଦ ଫୋର୍ଟରେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ ସବୁ ନୂତନ ପଲିସି ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ, ପୁଣି ଦୌଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ବହୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଫେଲୋର ହେଇଥିଲେ ଟୋକେନ୍ କରେନ୍ସିରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପରେ ତାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ
ସଫଳତାର ପାଦ ଆଗକୁ ବାହାର କରି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା, ଆମର ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଛି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।